हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज है थर्सडे और आज हम लोग का प्लान है ओमान जाने का, क्योंकि यहाँ पर है यूएई नेशनल डे सेलिब्रेशन जिसमें मिलती है हमको 4 दिन की छुट्टियाँ। तैयार होते होते और सामान रखते रखते बज गए थे 6 और अब हम लोग निकल रहे हैं। सो हमें देखना था सनराइज़ और उसके लिए जो है थोड़ा सा हमको जल्दी निकलना था, तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग निकल गए हैं। और देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे नेशनल डे का हो रहा है और धीरे धीरे मतलब 5-7 मिनट्स में ही इस तरीके से आसमान ने रंग बदलने शुरू कर दिए थे एंड इतने सुंदर कलर्स हम लोगों ने, खैर हम लोगों ने तो पहले भी देखे हुए हैं, बट इस चीज़ का जो चार्म है, सनराइज़ का चार्म जो है वो कभी पुराना नहीं होता। आप ज़िंदगी में चाहे कितने भी सनराइज़ देख लो, आप रोज़ भी देखोगे तो आपको उतनी ही खुशी होगी। सो यहाँ पर हम लोग आ गए थे पेट्रोल पंप अपना फ्यूल टैंक फुल करवाने के लिए एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जा रही हूँ जूम। ये यहाँ के पेट्रोल पंप्स का जो है छोटा सा सुपरमार्केट टाइप का होता है, तो यहाँ पे बेसिक आपको खाने पीने का सामान और बेसिक जो यूटिलिटीज़ होती हैं उनका सामान मिल जाता है। सो हम लोग पानी की सिर्फ एक बॉटल रख के लाए थे, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अपने लिए पानी। और मेरा मन हो रहा था हॉट कॉफ़ी पीने का, बट यहाँ की कॉफ़ी जो होती है ना वो मशीन वाली होती है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैंने ली है ये स्टारबक्स की कॉफ़ी जो इतनी मीठी थी कि मुझसे एक सिप से ज़्यादा ये पी ही नहीं गई। खैर एनीवेज़, यहाँ से हम लोग सारा सामान अपना खाने पीने का लेकर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं ओमान के लिए। और कुछ भी सामान लाऊं और कुनाल के लिए चॉकलेट ना लाऊं, ये मैंने गलत चॉकलेट पिक कर ली थी, तो ही इज़ आस्किंग मी व्हाई दिस वन, तो वो मैं एक्सचेंज करा के लाई। और अब हम लोग निकल रहे हैं ओमान के लिए और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था सुबह सुबह का, अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो थोड़ी देर हम लोगों ने विंडोज़ खोली एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मॉस्क ऑन द वे। तो सूरज के साथ साथ अब हम लोग निकल पड़े हैं ओमान के लिए, चलिए आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी ड्राइव कर लेती हूँ, सुबह सुबह बहुत मज़ा आता है ड्राइव करने में और एकदम खाली सड़क, मौसम इतना सुहाना, सो किसे मज़ा नहीं आएगा ड्राइव करने में। सो मैंने सोचा कि चलिए मैं लेके चलती हूँ हत्ता ओमान तक, जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन वगैरह होना था। सो बॉर्डर तक मैंने ड्राइव किया और यहाँ पर यूएई के साथ साथ ही ओमान भी अपना नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहा था। ओमान में भी 2 दिन की उन्होंने छुट्टी रखी थी। सो यहाँ पर आफ्टर इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह हम लोगों का स्टैम्प हो गया था और अब हम लोग पूरे रास्ते कुछ ना कुछ खाते हुए ही जाते हैं वैसे तो। सो यहाँ से हमने अपना खाने पीने का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया और लीजिए आ गए हैं हम ओमान में। उसके बाद हम लोग रुके बीच में एक वॉशरूम एंड चाय ब्रेक के लिए। सो यहाँ पे ओमान में ना इसी तरीके से छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं जहाँ पे आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो और यहाँ पे ही ना सुहार के आसपास जो है काफ़ी सारे गिफ्ट शॉप्स हैं, 1 dirham to 20 dirham, लाइक उनका जो है कहलाता है 100 paisa टू 1 rial 2 rial इस तरीके से। और बस यहाँ से हम लोगों ने ख़रीदा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत खाने का सामान हम लोगों ने लिया और आगे हम लोग बस अब निकल गए एंड इनफैक्ट हम लोग 1.5-2 घंटे में तो अब पहुँच ही जाएंगे। सो यहाँ पे पीछे की सीट को जो है डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया और पीछे बच्चे और दादी बहुत मज़े से जो है अपना इंजॉय कर रहे थे खाना। यहाँ पर जो है हम लोग पहुँच गए हैं ओमान के एक बीच पे और पूरे कोस्टल एरिया में मतलब आप कहीं पे भी रुक सकते हो, कोई मनाही नहीं है। और यहाँ के बीचेस इतने सुंदर होते हैं, अतः पानी दिखता है और मुझे ऐसे बीचेस अच्छे लगते हैं जहाँ पे ना दूर दूर तक बस पानी ही दिखता हो। दुबई में ऐसे बीचेस बहुत कम हैं। सो यहाँ पे देखिए हमें बीच पे क्या क्या दिखा और हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली अपना ब्रेकफास्ट किया, कुनाल नहीं खाया था क्योंकि वो हत्ता के आगे उन्होंने ड्राइव किया। सो यहाँ पे हम लोग जितनी देर कुनाल खाना खा रहे थे उतनी देर हम लोगों ने अपने लिए जो है शेल्स इकट्ठे किए और बहुत सारे शेल्स मिलते हैं यार यहाँ पे, मतलब दुबई में इतने हमने कभी नहीं देखे जितने यहाँ होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए और मज़े करने के बाद हो गए हमारे कपड़े बिल्कुल गीले और गंदे। बीच जाने का सबसे ख़राब पार्ट यही होता है
कि बीच से निकलने के बाद अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है तो पानी से पैर धोने का भी कोई मतलब नहीं है बीच पे। वापस आते आते पैर गंदे रेत में हो ही जाते हैं। सो एनीवेज अब हम लोग निकल गए हैं अपने बाकी की जो आई थिंक एक घंटे की जर्नी और थी, और बस यहाँ पे हम लोग आगे बीच का मज़ा लेते लेते, ये बीच जो है ना हाईवे से थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो अगर आपको जाना है सो हाईवे की राह छोड़कर थोड़ा सा स्लिप लेन में जाके अंदर जाना पड़ता है। और यहाँ पे खाना पीना एज़ यूजुअल जो है हमारा कंटिन्यू हो रहा है, और हम लोग पहुँच गए हैं मस्कट। मस्कट इतनी सुंदर जगह है, इतना तो वहाँ पे ग्रीनरी है, और अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं ना तो वो आप डेफिनेटली चेकआउट करना। हम लोग मार्च में गए थे, मैं जो है उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। सो बस यहाँ अब तक ही थी हमारी आज की जर्नी, और मैंने यहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग करी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने अगले वीडियो में। सो उसके लिए कीप एन आई एंड स्टे ट्यून्ड। तो चलिए पहुँच गए थे हम लोग घर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की।